अकॉर्डिंग टू द देयर मीनिंग सेंटेंस आर फाइव टाइप्स, ठीक है। सेंटेंस जो है पांच किस्म के हैं। सबसे पहले जो हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के रूप से देखा है कि सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं। जी सेंटेंस होते हैं राउंड अबाउट जो है तीन किस्म के सेंटेंस, ठीक है। लेकिन उनकी भी आगे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि तीन कौन कौन से थे जी, सिंपल सेंटेंस था, कंपाउंड सेंटेंस था और जो है कंप्लेक्स सेंटेंस था, ठीक है। अब उनकी उनके मीनिंग्स के एतबार से, उनकी डेफिनेशन के एतबार से जो है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स सेंटेंसेस आर फाइव टाइप्स, ठीक है, पांच किस्म के हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कौन सा है जी, डेक्लारेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है जी, यानी कि ये डेक्लारेटिव सेंटेंस है और इसको जो है सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसके अंदर कौन कौन से आ जाए, जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो कोई भी, एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल हो, लेकिन वो हो सिंपल सेंटेंस ही, ठीक है, डेक्लारेटिव या असर्टिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका एंड कहाँ पे होता है जी, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप के ऊपर इसका एंड होगा। जिशान इज अ टॉल बॉय, जिशान एक लंबा लड़का है, शी इज नॉट वेरी क्लेवर, ठीक है, वो जो है तेज नहीं है, ओके। अली इज गोइंग टू वॉशरूम, अली जो है बाथरूम जा रहा है, शी इज ड्रिंकिंग द वाटर, वो पानी पी रही है, ठीक है। जिस सेंटेंस के अंदर जो है अफर्मेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव आ जाए या कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो वो डेक्लारेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है, डेक्लारेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, ओके।